हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से घर से बाहर खुले आसमान के नीचे कुकिंग करने के लिए आ चुके हैं। भले ही हम घर में पानी का गिलास खुद से ना लें, लेकिन जब घर से बाहर सब दोस्त कुकिंग के लिए जाते हैं तो दिल से काम में लगते हैं। और दोस्तों के साथ हंसी मजाक गपशप करते हुए कब खाना बन जाता है पता भी नहीं चलता। और ऐसे भी खुले आसमान के नीचे प्रगति की गोद में नदी के किनारे खाना बनाने और फिर साथ में बैठकर उसे खाने का मजा ही कुछ और है। तो इन सारे पलों को आपके साथ हम शेयर करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। और जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस समय ना हम उत्तराखंड और हिमाचल के एकदम बॉर्डर पे हैं। ये जो पहाड़ आप इस तरफ का देख रहे हैं वो उत्तराखंड में है और उस तरफ हिमाचल में है। और ये रास्ता नैरवा चौपाल होते हुए शिमला और हनोल होते हुए उत्तरकाशी की तरफ जाता है। हमें तो इतना आगे नहीं जाना है, हमें तो बस नीचे नदी में उतर के कुकिंग करनी है। यहाँ नदी में नीचे उतरने के लिए एक रास्ता ना आगे पुल से होकर था, लेकिन अभी वहाँ रिपेयरिंग का काम लगा है तो वो तो बंद है। तो दोस्तों ने डायरेक्ट ही उतरने का प्लान कर लिया। इस चक्कर में एक भाई की उंगली में चोट भी लग गई। खैर, बड़ी बड़ी सुंदर शांत जगहों में ऐसी छोटी चोटें तो लगती रहती हैं, लेकिन आप लोग जब भी बाहर जाएं सावधानी जरूर बनाए रखें। और नीचे उतर के नदी में पहुंचते ही व्यू देख के दिल खुश हो गया। और पानी इतना ठंडा कि इंसान की सांसें बंद हो जाएं। तो भाई ने भी अपना हाथ थोड़ी देर पानी में डाल लिया। अगर गर्मी होती तो इतने साफ पानी में नहाने का मजा आ जाता। लेकिन यार, हम तो कुकिंग करने आए हैं, तो जरा मैं तो टमाटर धो लूं। चूल्हा भी जला दिया भाई ने। इस बार तो हम चूल्हा भी साथ लेके ही आए थे, क्योंकि चूल्हा अगर सही ना बने ना तो कढ़ाई या कुकर टिकाना उसमें समझ लो महाभारत है। और अब प्याज भी काटने शुरू कर दिए। दोस्तों के साथ मिलके जाने का यही तो फायदा है, काम बढ़ भी जाता है और फटाफट हो भी जाता है। अब कढ़ाई चढ़ा के तेल भी गरम कर लिया, फिर खड़े मसालों का तड़का। इसके ब्राउन होने के बाद बस प्याज डाल देंगे। तब तक मैं भी लहसुन और अदरक पीस लूं। इस बार ये आइटम ना हम याद से लेके आए थे, वरना हर बार पत्थर से पीसना पड़ता था, जिसमें आधा लहसुन उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता था। इधर भाई ने प्याज ब्राउन कर दिया और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल के बढ़िया सा उसे भून लिया है। और इसके साथ ही चावल भी एक टेम्परेरी चूल्हे पे चढ़ा दिए, ताकि टाइम भी बच जाए हमारा। प्याज के साथ ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद टमाटर भी डाल दिए। यार, वैसे तो पनीर में ना प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन हमने तो डायरेक्ट डाल दिया। और ऐसे भी भाई जिस हिसाब से ना करछी चला रहा है, वो तो इसी में इसका पेस्ट बना देगा। और फिर इन सब मसालों का रंग येलो से ना थोड़ा ब्राउन होते ही मस्त पनीर के कटे हुए पीस डाल दिए। चाहो तो आप लोग पहले ना पनीर को तेल में अलग से फ्राई भी कर सकते हो। पकड़ना पड़ेगा। अब बस मसालों के साथ मिक्स कर देना है
यार ये काम ना वैसे फ्लैट चमचे से किया जाता है, लेकिन अभी तो हमारे पास यही है। फिर हल्दी, नमक, गरम मसाले सब हम डाल ही चुके हैं। बस अब पानी और मैगी मसाला डाल के 10 मिनट पकाना है। तो फाइनली पनीर हो गया है रेडी। आप चाहो तो बारीक कटा धनिया ऊपर से इसमें छिड़क सकते हो, लेकिन यार हमें ना उसका थोड़ा टेस्ट पसंद नहीं है तो हमने तो नहीं डाला। और मजे की बात तो ये है कि हम सबको ही इसका टेस्ट पसंद नहीं है। यार आप लोग भी ऐसे बाहर जाइए, परिवार या दोस्तों के साथ कुकिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए, स्ट्रेस दूर रखिए और हैप्पीनेस बनाए रखिए। और जब तक हम अपना खाना फिनिश करते हैं तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने नहीं किया हमारा चैनल सब्सक्राइब तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जब भी आप लोग ऐसे बाहर जाएं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सफाई का ना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की प्लास्टिक या बोतल, खाली कैन ऐसे ही मत छोड़ देना, उसे या जला दें वरना अपने साथ ना कैरी कर लें, और जब डस्टबिन मिले तो उसमें डाल दें, क्योंकि आपके द्वारा कूड़ा छोड़ने पर जो बाद में आएगा ना वो भी वहीं कूड़ा फेंकेगा और धीरे धीरे यह सुंदर जगह ना खराब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सफाई बनाए रखेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।